सब्सक्राइब कीजिए दैनिक इंडिया दर्पण चैनल को और बेल आइकन दबाइए अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आईडी टीवी प्रेजेंट की ओर से समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली पुलिस को पटाखा छोड़ने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नव वर्ष पर अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी को अपशब्द कहना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए एक व्यक्ति की 3 साल की सजा खत्म करते हुए उसे मुक्त कर दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के इतिहास में 2018 ऐतिहासिक वर्ष के तौर पर याद किया जाएगा, क्योंकि इस वर्ष ही उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचित सरकार को प्रशासनिक और नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया। राजधानी दिल्ली में शनिवार को कड़ाके की सर्दी जारी रही और पारा गिरकर 2.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। यह पिछले 5 साल में दिसंबर महीने के दौरान सबसे ठंडा दिन रहा। आपकी राष्ट्रीय परिषद के अगले साल लोकसभा चुनाव और इसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित परिषद के सभी सदस्यों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम रविवार को लगातार 4th दिन घटने से उपभोक्ताओं को राहत मिली। तेल विपणन कंपनियों ने दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल के दाम में 22 पैसे और चेन्नई में 23 पैसे प्रति लीटर की कटौती की। वहीं डीजल के दाम दिल्ली और कोलकाता में 23 पैसे जबकि मुंबई में 24 पैसे और चेन्नई में 24 पैसे प्रति लीटर कम हुए। दिल्ली में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की रफ्तार कई महीनों से धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब फिर से कार्रवाई रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि मॉनिटरिंग कमेटी ने डीडीए की स्पेशल टास्क फोर्स को पत्र लिखकर 11 स्थानों पर कार्रवाई करने की बात कही है। भारत ने 7 दशक में ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर पहली टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर मजबूत कदम बढ़ाते हुए रविवार को तीसरे क्रिकेट टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन यहां 137 रन बनाकर जीत के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी। बसपा के साथ गठबंधन को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि विचारों और लोगों का संगम रूपी यह गठबंधन बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा 10 एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर की निगरानी और डाटा की जांच का अधिकार देने के बाद देश भर में घमासान जारी है। वहीं इसी बीच गृह मंत्रालय ने आज सफाई देते हुए कहा कि कंप्यूटरों की निगरानी के लिए किसी भी एजेंसी को पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए। ये है डीआईडी में खबरें, अब तक इंतजार कीजिए कल तक।